सर्दियां बढ़ने के साथ साथ ही दिल्ली के अंदर मौसम तेजी के साथ प्रतिकूल होता है। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ने लगता है कि जो ये गैसेस पैदा करने वाले, प्रदूषण पैदा करने वाले, PM10 PM2.5 पैदा करने वाले सोर्स हैं, उसको रिड्यूस किया जाए और उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान दिल्ली के जनता के साथ मिल करके अपनी कार्ययोजना रखी है। आज से 24 घंटे 24x7 ग्रीन वॉर रूम का आज से संचालन शुरू किया जा रहा है। इस ग्रीन वॉर रूम को 7 जिम्मेदारियां 7 वर्क अलॉट किए गए हैं जिसका ये वॉर रूम संपादन करेगा, जिसमें पिछली बार से जो अलग नया काम जोड़ा गया है वो है ड्रोन मैपिंग की मॉनिटरिंग का, उनके एनालाइज करने का डेटा का। दूसरा रियल टाइम सोर्स अपोर्समेंट स्टडी। तीसरा जो पराली का जगह जगह जो धुआं पैदा होता है, जो घटनाएं होती हैं। चौथा हर बार की तरह इस बार भी पूरे दिल्ली को इस वार रूम से कैसे जोड़ा जाए, उसमें सबसे अहम कड़ी है ग्रीन दिल्ली ऐप। ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें पूरी दिल्ली सहभागी बनती है। इसके बाद जो पांचवा वर्क वार रूम से होता है हॉट स्पॉट की मॉनिटरिंग। छठा जो है 24 घंटे जो हमारे 24 मॉनिटरिंग स्टेशन है अलग अलग दिल्ली के अंदर लगाए गए हैं, जहां से हम PM10 PM2.5 की मॉनिटरिंग करते हैं, उसका डेटा यहां एनालाइज किया जाएगा। इस पूरे वार रूम को संचालित करने के लिए 8 सदस्यीय जो हमारे एनवायरमेंटल इंजीनियर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी टीम गठित की गई है। अभी तक काफी हमारा ग्रीन दिल्ली ऐप का जो एक्सपेरिमेंट रहा काफी सफल रहा है। ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च होने के बाद लगभग 80,000 अब तक कंप्लेंट आई हैं और उसमें से 88% कंप्लेंट का जो है निवारण जो है उनका समाधान वार रूम के माध्यम से किया गया है। हमें भरोसा है कि इस बार भी जिस तरह से प्रदूषण के खिलाफ सरकार लोगों के साथ मिल करके अभियान को आगे बढ़ा रही है, ग्रीन वार रूम इसमें एक अहम भूमिका अदा करेगा।